रोहतास जिले के दावत अंतर्गत सेमरी में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी पंकज दीक्षित, ICDS की DPO सुनीता कुमारी, DPO रीना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लोगों से बच्चों के पोषण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। माँ के दूध को बच्चों का सर्वोत्तम आहार बताते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना जरूरी है। 6 माह के बाद के दूध के अलावा बच्चों को ऊपरी आहार देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पोषण मेला का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता में अपेक्षित सुधार लाना है। बेसिकली अभी हम लोगों का पोषण माह चल रहा है, तो पोषण माह में हमारा बेसिक पर्पज है कि लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जाए कि जो स्वस्थ और स्वच्छ आदतें हैं उनको आप विकसित करें तो आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ बनाएंगे। मॉडल केंद्र पर सब क्या क्या? मॉडल केंद्र में बेसिकली उनके जो मानसिक विकास और उनके शारीरिक विकास और उनके भौतिक विकास के लिए जो बहुत विभिन्न तरह के उनके चित्रों के माध्यम से उनको समझाना, उनके छोटे छोटे गेम कराना, बच्चों को खिलाना। ऐसे पहुँचे और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिला पदाधिकारी हमारे दावत प्रखंड के केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें हम बढ़ चढ़ करके। और मैडम, जिस तरीके से कहीं कहीं कुपोषण का भी शिकार बच्चे होते नजर आ रहे हैं, उस पर रोकथाम लगाने के लिए ये सेंटर किस हद तक कामयाबी होगी, कामयाबी सिद्ध करेगी? 100% हम लोग इसको दूर करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, यही मेरा प्रण है। और हम लोग जब तक है इसको 100% कुपोषण को दूर भगाएंगे। हर स्तर से, हर सुविधाओं से युक्त यह सेंटर बना हुआ है, इसमें कहीं से ये नहीं लगता है कुछ अभाव है, कमी है, क्या लगता है कि बाकी रह गया इसको? अच्छा। हम करवाएंगे। समय कम मिला तो क्या लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके भविष्य बेहतर होगा? बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। सब बच्चे हमारे अगले स्कूल जाने के लिए वो प्रिपेयर होंगे, जिससे जैसे प्ले स्कूल होता है ना शहरों में, उस तरह का इसको हम रूप देना चाह रहे हैं, ताकि ये बच्चे जा कर के जो प्राइमरी स्कूल में जाएँ तो लगेगा कि हम किसी स्कूल से उठ कर आ रहे हैं। सेंटर और आंगनबाड़ी कोर्स से तमाम प्रखंड वासियों किस तरह का बधाई देंगे, शुभकामना देंगे इसके लिए? बहुत शुभकामना दे, सभी का सहयोग होगा हुआ है कि हम यहाँ तक कर सके हैं, सभी प्रखंड।